गुस्से से उसके चेहरे को देखकर बोली, ये सभी के सभी तुम्हारे चमचे हैं। अब मुझे पता चला आखिर क्यों लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लेते। उसकी बात सुनकर अंश बिना किसी भाव से उसे देखने लगा और कुछ ही पल बाद जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इश्क की कही सारी बातें उसके लिए कोई मजाक से कम नहीं। कुछ पल हंसने के बाद उसने अपनी हंसी को काबू में करते हुए बोला, ये सब मेरे चमचे नहीं बल्कि कुत्ते हैं, जिनकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ और उसके बदले ये सब पूरी जिंदगी मेरी जी हजूरी करते हैं। और शायद आज से पहले मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे इतने वफादार हैं। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बोलकर वो मुस्कुरा उठा और फिर उसके और ज्यादा करीब आते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराकर बेहद ही दिलकश लहजे में बोला, तो अगर अब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हो तो चलो, मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, यानी कि तुम्हारी प्यारी अन्या। इतना बोलकर वो मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा तो इश्क की और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने उसकी आंखों में देखकर गुस्से के लहजे में कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को कभी नहीं सौंपूंगी। और रही बात अन्या की तो उसे मैं खुद ढूंढ लूंगी, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसके बगल से गुस्से में जाने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी के साथ अपने पास घसीटा और तेज आवाज में उसके चेहरे को देखते हुए बोला, It's enough. अगर मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हद पार कर दो। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए उसे मारना किसी चींटी को मारने जैसा होगा और तुम्हें हासिल करना किसी सामान को खरीदने जैसा होगा। तो बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो, वरना जबरदस्ती करने में मैं कितना माहिर हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। ये सब बोलते वक्त उसकी पकड़ इश्की पर कसती चली जा रही, जिससे उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई, जिसे सुनकर अंश ने एक नजर उसके चेहरे को देखा और फिर अगले ही पल उसके हाथों को छोड़ दिया। उसके हाथों को छोड़ते ही इश्की ने गुस्से से खींच कर उसकी कार पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स की नजरें उसके चेहरे पर ही टिक गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इश्की अंश को थप्पड़ मार सकती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंश को अपनी नजरें उठाकर देख ले, लेकिन आज इश्की ने उसे इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया। सभी अंश के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो एक तरफ झुका हुआ था। वही इश्की गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोली, अपनी हद में तुम रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और क्या कहा तुमने, किसी की जान लेना तुम्हारे लिए किसी चींटी को मारने जैसा होगा? तो हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि तुम एक नंबर के जानवर हो जिसके लिए किसी की भी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तुम्हारी वजह से उसे हल्की सी भी खरोच है तो ये वादा है मेरा, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी। ये सारी बातें वो गुस्से में बोलती जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो ये सारी बातें किसके सामने बोल रही है और इन सभी बातों का उसके सामने खड़े शख्स पर किस तरह से असर होगा। उसके दिमाग में तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सवार थी और वो थी अंश को अपनी गलतियों का एहसास कराना और उसे उसकी सजा देना। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इन सभी चीज़ों की उम्मीद जिस इंसान से कर रही थी, उसने इसके पहले ही ऐसे काफी क्राइम कर लिए थे जिसकी उम्मीद भी शायद वो कभी ना लगा सके। और अंश के लिए तो जान लेना कोई छोटी सी बात थी। अंश तो एक साथ कई लोगों को करीब एक महीने तक इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर चुका था कि उन्होंने अंत में खुद ही अपनी जान ले ली और ये बात पूरी न्यूज़पेपर में साफ साफ तौर से आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अंश के नाम की जगह वहां पर मिस्टीरियस क्रिमिनल ASR लिखा हुआ था। इन सभी चीजों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी और इसलिए इन सभी से बेखबर
वो सिर्फ और सिर्फ उस पर अपना गुस्सा उतारे जा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ और उसकी सांसें घुटने लगी। वो उसके हाथों को पकड़ कर अपने आप से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इस वक्त अंश की आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। वो अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर कसते हुए कड़क लहजे में बोला, सभी चीजों की एक हद होती है इश्की, और मुझ जैसे इंसान के अंदर सब्र बहुत ही कम होता है। तो मुझ जैसे इंसान के सामने तो अपनी हद को कायम करके रहना चाहिए, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है और अब इसके अंजाम के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। मैं अब तक तुम्हारी हर बातों को, हर एक क्रिया को सिर्फ और सिर्फ मजाक में ले रहा था, लेकिन अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। तुमने मुझ पर ईएसआर पर हाथ उठाया, अब उसके अंजाम के लिए तुम तैयार हो जाओ। इतना बोलकर उसने उसकी गर्दन पर से अपना हाथ हटा लिया और उससे दो कदम पीछे हट गया। इश्की ने अपनी दर्द भरी नजर उठाकर उसे देखा, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत करके अपनी ही जगह खड़ी रहकर उसे देखते हुए बोली, मजाक ही तो है ये सब तुम्हारे लिए। लोगों की जान लेना और लोगों के एक्शन तुम्हारे लिए कहाँ मायने रखते हैं? तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तुम। मैंने कभी भी तुमसे मजाक नहीं किया और अनजान की बात करते हो तो बताओ क्या करोगे तुम? मेरी जान लोगे? हाँ, यही कर सकते हो तुम। इश्की अभी भी गुस्से में बोले जा रही। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंश पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज बात उसकी नहीं अन्या की थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इन सभी बातों को बोलकर अपने लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही। वहीं अंश, जो उसकी सारी बातें बेहद ध्यान से सुन रहा था, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके हाथों को अपनी पकड़ में कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मुझे। इश्की उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए लगातार बोलते जा रही थी, लेकिन उसके किसी भी बात का अंश पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। वो उसे किसी सामान की तरह पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी तक ले गया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे जबरदस्ती अंदर बैठाकर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी वहां से लेकर निकल गया। वो बिना कुछ बोले सिर्फ ड्राइव किए जा रहा था। उसके हरकत पर इश्की दरवाजा खोलने की नाकामयाब कोशिश करते हुए लगातार बोली, देखो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी बातों का कोई भी असर उस इंसान पर नहीं हो रहा था, जिस वजह से इश्की का डर और गुस्सा दोनों ही बढ़ता चला जा रहा था। कुछ वक्त में वो लोग एक बहुत बड़े मेंशन के बाहर आकर रुक जाते हैं। अंश अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे लगभग घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है। उसकी इस हरकत से इश्की का डर और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। वो अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोलती है, देखो मुझे जाने दो, ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। लेकिन अंश की पकड़ उसकी हाथों पर कसती चली जाती है, जिस वजह से उसकी आंखों से अब आंसू बहने लग जाते हैं। मेंशन के अंदर हॉल में मौजूद नेहा कुछ सोचते हुए इधर से उधर टहल रही थी और तभी उसकी नजर मेंशन के अंदर आते हुए अंश और इश्की पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी नजरें हैरानी से बड़ी हो गई और वो डर के भाव के साथ अंश को देखने लगती है और उसकी तरफ बढ़कर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, भाई ये कौन है और आप इन्हें ऐसे क्यों ला रहे हैं? उसकी नजरें बार बार इश्की के चेहरे पर ही टिक रही। वो हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी कि तभी अंश की कठोर आवाज उसके कानों में पड़ी, ये कौन है और कहाँ से है और क्यों आई है? उन सभी चीजों को जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, ये लड़की आज से और अभी से यहीं रहेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी और सिक्योरिटी तुम्हारे हवाले है। अगर इसने आज के बाद यहाँ से भागने की कोशिश की या कुछ भी उल्टा सीधा किया तो अंजाम तुम्हारे और इसके दोनों के लिए ही सही नहीं होगा। Is it clear? उसकी बात सुनकर नेहा पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था।
तभी वापस से उसके कानों में अंश की गुस्से भरी आवाज पड़ी, इज इट क्लियर नेहा? ये सुनकर नेहा ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो अंश ने उसे बुरी तरीके से घूर कर देखा, तो वो डरते हुए बोली, यस बॉस। ये सुनकर एक सेटिस्फेक्शन भरी नजरों से उसने एक बार नेहा को देखा और वापस से गुस्से के साथ इश्की को देखा और उसे घसीट कर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ले जाने लगा। आखिर नेहा इश्की को देखकर इतना डर क्यों रही थी? इश्की के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो नेहा को परेशान कर रही थी, और अब इश्की के साथ क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए माफिया ऑब्सेशन हमारे YouTube चैनल कहकशा FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।